ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा, ठीक है, अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, हमारी तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। ये ड्रामेबाज झूठे हैं सारे, ये झूठे हैं, ये जितने भी हैं ड्रामा लगाते हैं ये लोग। और घंटे का मेरी एक बात सुनना तन्वीर अहमद, तूने पाकिस्तान की तरफ से कितने क्रिकेट खेले हैं? 2 से 3 मैच तो खेला हुआ है, टीवी पे बैठ के तो इस तरह ज्ञान पहला जिस तरह तो ढेल स्टेन है। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई तेरा चैलेंज ले लिया सर, चैलेंज आपको आप उस टाइम। इंडिया ने अगर ये बात रखी हुई है कि भाई हमें सिक्योरिटी के कंसर्न है, हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, दूसरी साइड हम जो है जान तोड़ कोशिश करके जो है इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यार हमारी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, आपको कोई मसला नहीं होगा। Indian cricket can still survive without Pakistan. And if you guys can survive without Indian cricket, do it. तनवीर अहमद भाईजान फट गया, तनवीर अहमद इतना फटा है कि उस बंदे ने इंडिया को गालियां निकाली हैं लाइव शो में बैठ के। तनवीर अहमद ने बोला है कि इंडिया खुद को समझता क्या, बाढ़ में गया इंडिया, क्या जो इंडिया नहीं आता तो इंडिया पुर कराओ इंडिया को, इंडिया के बगैर। ये वही बंदा था जो कह रहा था इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, और 2 दिनों के चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर किस तरह होगी मुझे एक बात बताना। चैंपियंस ट्रॉफी बेटा जितने तेरे पास पूरे पैसे हैं ना, ठीक है, तेरे जैसों को ना वो 36,000 बार खरीद सकते हैं। तनवीर अहमद नु खरी उंगल हुई है, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई, इसको कौन सी उंगल हुई है? मतलब तनवीर अहमद बेटा, तनवीर अहमद भाईजान खुले आम, पहली तो बात है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तनवीर अहमद ने खुले आम टीम पे बैठ के इंडियन प्लेयर्स को गालियां निकाली हैं, इंडियन गवर्नमेंट को गालियां निकाली हैं, बीसीसीआई को गालियां निकाली हैं, हरभजन सिंह को गालियां निकाली हैं, और बड़ी कोई फजूल बातें की हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, चैंपियंस बात बड़ी सुनने वाली है, और मोहसिन नकवी का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट भी आया है और बात भी की है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, कि जो आपको पता चला रात को एक चीज बड़ी वायरल से और अभी भी है कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश भी चैंपियंस ट्रॉफी से जो है वो गायब हो गई है, वो भी कह रहे हैं हमने नहीं आना। तो अब मोहसिन नकवी अब फंस चुका है, पीसीबी फंस चुकी है, अब उनके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं है, अब वो पूरे पूरे तरीके से फंस चुके हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा आप सबको पता है जिस तरह था कि जी इंडियन टीम ने बोला हमने नहीं आना, उन्होंने पहले दिन से बोल दिया था मेरी जान के डॉटो कि हमने नहीं आना, वो नहीं आ रहे, यहां तो उन्होंने बोला होना कि आना है तो फिर कह रहे नहीं आना, तो ये उन्होंने पहले दिन से बोला था असी नहीं आना, कि वो नहीं आ रहे।